महाकाल की नगरी में अति प्राचीन सिद्धवट का मंदिर है। यहाँ पर पितरों के निमित्त तर्पण व पिंडदान करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं पंडित जी से विस्तार से। अवंतिका उज्जैनी के स्कंद पुराण के अनुसार अवंतिका खंड में ये जो स्थान है भगवान सिद्धनाथ महाराज का स्थान है। आज से करीब कुछ वर्ष पूर्व, करीब 2000 वर्ष पूर्व अवंतिका उज्जैनी के राजा विक्रम हुए जिन्होंने वेताल की साधना भी इसी वट के माध्यम से, इसी वट के नीचे से की थी। माता पार्वती के द्वारा ये बोया हुआ वट वृक्ष है। स्वामी कार्तिकेय जी का मुंडन मान संस्कार कार्यक्रम यहीं हुआ है और इसी स्थान से स्वामी कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर नामक राक्षस का वध करके अपनी शक्ति को इस नदी में फेंका था, तो इस स्थान को शक्ति भेद तीर्थ के भी नाम से जाना जाता है। अवंतिका खंड के अनुसार ये स्थान परेशशिला तीर्थ के नाम से भी विख्यात है। देश विदेश से श्रद्धालु अपने दिवंगत पितरों, विशेष करके जो अधोगति में शांत होते हैं, उनकी आत्म शांति पूजन के लिए इस स्थान पर आकर के विधि विधान से जलदान पिंडदान का कर्म भी यहाँ संपन्न कराते हैं। प्रत्येक माह की 14 पे, विशेषकर 14 सम्मा और 14 पूर्णिमा पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु स्थान पर आकर के भगवान सिद्धनाथ महाराज को दूध जल अर्पण करते हैं। वो दूध जल अर्पण करने से उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। माँ शिप्रा यहाँ मोक्षदायिनी है। माँ शिप्रा के तट पर जैसा कि अभी आप सब देख रहे हैं, बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी आचमनी करते हैं। माँ शिप्रा के जल के माध्यम से अपने आप को आचमनी करके आनंदित महसूस करते हैं।